गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना चौहान, आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर कल्पना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी स्पेशल स्टार्ट करते हैं और यूपी स्पेशल में कुछ नया जानेंगे, जैसे क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज मानसूनी एंड मेनली रेन डोमेस्टिक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून। जो यूपी का मानसून है, यूपी की जो जलवायु है वो कैसी है आपकी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मानसून। द स्टेट हैज थ्री फिजियोग्राफी डिविजन्स, वन माउंटेन ऑफ नॉर्थ, सेकेंड सेंट्रल प्लेन, थर्ड रीजन्स ऑफ प्लेटो ऑफ साउथ। जो यूपी है, यूपी का जो हम फिजियोग्राफी है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका माउंटेन ऑफ नॉर्थ, जिसे हम कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नंबर दो सेंट्रल प्लेन, जिसे हम कहते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र। नंबर तीन रेंज एंड प्लेटो ऑफ साउथ, जिसे कहते हैं दक्षिण का पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल 184 सेंटीमीटर। जो यूपी का गोरखपुर जिला है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल प्राप्त करता है और 184 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त करता है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल 54 सेंटीमीटर, यानी कि यूपी का जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे कम रेनफॉल प्राप्त करता है और वो है आपका 54 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल इन डिफरेंट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जाम्पल तराइन रीजन रिसीव द हाइएस्ट रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश 150 सेंटीमीटर। जो यूपी का तराइन क्षेत्र है वो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है और वो है 150 सेंटीमीटर। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश, वो है 84 सेंटीमीटर। यानी कि यूपी का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी गंगा का मैदान और सबसे अधिक वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र है। द शिवालिक रेंज इन द नॉर्थ, यानी कि यूपी के उत्तर में शिवालिक रेंज है। द विंध्याचल रेंज इन द साउथ, और यूपी के दक्षिण में आपकी कौन सी रेंज है, विंध्याचल रेंज है। द मोस्ट एंशियंट रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी कि यूपी का सबसे प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड है, जिसे नीचे में हम देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वो किसका पार्ट है, आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और उसमें से यूपी का जो सबसे सदर्न पार्ट है वो भी कैसा है, जो आपका प्राचीनतम पार्ट है और सदर्न पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट वेटलैंड एरिया इन उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी का सबसे ज़्यादा वेटलैंड वाला जो जिला है वो सोनभद्र है और वहाँ पे 5.08% वेटलैंड पाया जाता है। बागपत एंड हाथरस डिस्ट्रिक्ट हैव द लोएस्ट वेटलैंड एरिया इन उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के बागपत और हाथरस वाले जिले सबसे कम वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पर 0.18% वेटलैंड पाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्राइमरी हैज थ्री सीजन्स, यानी कि यूपी में तीन ऋतुएं पाई जाती हैं। नंबर एक समर, जिसे हम कहते हैं ग्रीष्म। सेकंड है मानसून, जिसे हम कहते हैं वर्षा ऋतु। नंबर तीन है विंटर, जिसे हम कहते हैं शीत ऋतु। तो यूपी में तीन सीजन्स या ऋतुएं पाई जाती हैं। आगरा एंड झांसी आर द वार्मेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी का जो सबसे गर्म जिला है वो आगरा और झांसी है। बरेली इज द लीस्ट वार्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी का जो सबसे ठंडा जिला है वो है आपका बरेली। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन उत्तर प्रदेश, यूपी का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो जनवरी होता है। ठीक है, आगरा और झांसी सबसे गर्म जिले हैं यूपी के, सबसे ठंडा जो सबसे कम गर्मी पड़ती है वो आपकी बरेली में पड़ती है, और जो आपका जनवरी का महीना होता है वो यूपी का सबसे ठंडा महीना होता है। ड्यूरिंग
विंटर द टेम्परेचर डिक्रीज वाइल ट्रेवलिंग साउथ टू नॉर्थ, यानी कि जब हम साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, यूपी में टेम्परेचर कम होता चला जाता है, यानी कि डिक्रीज होता है। द एवरेज रेनफॉल डिक्रीज वाइल द ट्रेवलिंग ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ने पर आपका रेनफॉल कम होता है और साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ने पर आपकी टेम्परेचर कम होता है, यानी कि डिक्रीज होता है। इस मैप में भी देख सकते हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो रेनफॉल कम होगा। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश। नंबर 1 ललितपुर, नंबर 2 झांसी, नंबर 3 बांदा, नंबर 4 है मथुरा। यानी कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम रेनफॉल प्राप्त करता है, तो वो कौन सा है, आपका मथुरा है। क्वेश्चन नंबर दो ये कहता है कि द राइट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज। नंबर 1 संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर और संत है आपका रविदास नगर। नंबर 2 है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और चौथा है रविदास नगर। नंबर 3 है अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, रवि नगर, संत कबीर नगर। डी है रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर। तो इसका सीक्वेंस लगाना आपको नॉर्थ से साउथ की ओर इसको ऑर्डर करना है। तो आप जब इस मैप में देखकर इसका आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश वाइल ट्रेवलिंग ईस्ट टू वेस्ट यूजली, यानी कि आपका जब ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो रेनफॉल क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो रेनफॉल कम होगा और साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे तो आपका टेम्परेचर कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका डिक्रीज होगा, यानी कि रेनफॉल कम होता चला जाता है जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, रेनफॉल होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि यूपी के गोरखपुर जिले में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, अभी मैप में भी देख सकते हैं आप। और सबसे कम जो रेनफॉल कहाँ होता है, आपका मथुरा में होता है। गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है और मथुरा में आपका 54 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। Which region received the lowest rainfall in Uttar Pradesh? यानी कि यूपी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सबसे कम रेनफॉल होता है, तो वो है आपका तराइन रीजन, ईस्ट गंगा प्लेन, सेंट्रल गंगा प्लेन और वेस्ट गंगा प्लेन। मैंने भी आपको बताया कि जब ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो रेनफॉल कम होगा, तो कौन सा हो जाएगा आंसर, ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ने पे रेनफॉल कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वेस्ट गंगा प्लेन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।